तो नमस्कार गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब काफ़ी हद तक अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट के स्कूल का लिस्ट निकाल सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट का हैं, आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का पूरा स्टेट में कितना स्कूल है आप सबका लिस्ट निकाल सकते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज, अपने विलेज वाइज निकाल सकते हैं कि हमारे गाँव में या ज़िले में टोटल मतलब कितना स्कूल है आप सब निकाल सकते हैं। या आप इंडिया के किसी भी स्टेट के हों आप सबका निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालना है हम इस वीडियो में बताएंगे, और इस वीडियो में बताएंगे तो आपको देखना होगा, आप देखकर आप निकाल सकते हैं। तो देखने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा। आप जो ब्राउज़र ओपन कर रहे हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिए हैं ऑलरेडी। तो आपको क्या करना है, सर्च बॉक्स पर आपको क्या करना है, स्टेट वाइज स्कूल इन इंडिया लिखना है। आपको यहाँ देख सकते हैं इस पर आपको क्या करना है, इतना लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे आप इतना लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ देखिए आपको इतना लिखकर सर्च कर देना है। जो हम सर्च किए हैं देखिए इतना आपको लिखकर सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको नीचे आना है, और नीचे आना है आप देख सकते हैं दूसरा नंबर में जो लिंक मिलेगा इस पर अब क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं, सिंपल सा इस लिंक पर हम क्लिक कर देते हैं। चलिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह का ओपन होगा, इसका अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का ओपन आपके मोबाइल पर हो जाएगा। चलिए ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखिए नीचे आपको स्क्रॉल करना है, और यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ यहाँ दिख जाएगा। यहाँ टोटल यहाँ देख सकते हैं स्टेट योर सेलेक्ट योर स्टेट फ्रॉम लिस्ट। यहाँ जिस स्टेट में रहते हैं यहाँ देख सकते हैं पहला नंबर में है यहाँ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, और दूसरे नंबर में है आंध्र प्रदेश। अब सारा यहाँ स्टेट का लिस्ट ओपन हो गया है, जितना सारा स्टेट है इंडिया में सबका यहाँ ओपन हो चुका है, अप्रोक्स सभी स्टेट का है। तो जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का उतारना है। चलिए हम आपको दिखाने के लिए क्या करते हैं, किस स्टेट का है दिखा देते हैं। तो चलिए हम जो हम अपने स्टेट में रहते हैं, जो आपका स्टेट होगा आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना होगा। चलिए हम स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ थोड़ा सा ऐड रहेगा, इसको क्लोज कर देना है। चलिए जैसे आप क्लोज करेंगे तो इसका अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का ओपन होगा आपके स्क्रीन पर। तो चलिए यहाँ कुछ अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का ओपन हो रहा है, तो थोड़ा देर वेट कर लेना है। जैसे आप वेट करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। तो कोई यहाँ अगला इंटरफेस इसको इसी तरह का ओपन होगा, तो आपको क्या करना है, नीचे आना है, और यहाँ नीचे आना है, और यहाँ उत्तर प्रदेश के सारा डिस्ट्रिक्ट का यहाँ लिस्ट ओपन हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जितना डिस्ट्रिक्ट है वो सबका लिंक यहाँ ओपन हो चुका है। चलिए हम दिखा देते हैं, यहाँ देख सकते हैं यहाँ टोटल डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट ओपन हो चुका है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट का देखना चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए हम डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे डिस्ट्रिक्ट के नाम पर आपको अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। चलिए फिर हम यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ वो डिस्ट्रिक्ट में जितना सारा ब्लॉक है वो ब्लॉक आपको सिलेक्ट कर लेना है। किस ब्लॉक का देखना चाहते हैं आप, किस ब्लॉक में रहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। चलिए जो ब्लॉक आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे ही आप ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे तो आपके अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का ओपन होगा स्क्रीन पर। अब फिर यहाँ नीचे आना है, चलिए हम नीचे आते हैं। यहाँ नीचे आने के बाद देख सकते हैं आपको विलेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं अपना विलेज सेलेक्ट कर लेना है, सिंपल सा बात है। चलिए हम विलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप विलेज सेलेक्ट करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का अपने मोबाइल पर ओपन हो जाएगा। चलिए हम यहाँ देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का ओपन होगा। तो फिर यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है, और उस विलेज में कितना स्कूल है सब यहाँ ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ देखते हैं उस विलेज में कितना स्कूल है सब यहाँ आ जाएगा लिस्ट में, यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए उस विलेज में टोटल 34 यहाँ स्कूल है, तो आप देख सकते हैं सबके बारे में। चलिए आप जिस स्कूल का डिटेल भी देखना चाहते हैं उस स्कूल का पूरा नियम, उतना कितना टीचर है,
टॉयलेट का ऑप्शन है कि नहीं, पेयजल का व्यवस्था, यहाँ सभी डिटेल देख सकते हैं चाहते हैं तो। अगर चलिए हम किसी स्कूल का देख सकते हैं, चलिए हम ये स्कूल पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे स्कूल का डिटेल ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। ऐसे क्लिक किए तो यहाँ आपको नीचे आना है और स्कूल का पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ यहाँ देख सकते हैं, यहाँ चलिए हम दिखाते हैं आपको। आपको नीचे आना है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, चलिए यहाँ देख सकते हैं पूरा स्कूल का यहाँ डिटेल ओपन हो गया। आप बारी बारी से देख सकते हैं यहाँ उनका लग में स्कूल का क्या है, वो मेल टीचर कितना है, फीमेल टीचर कितना है, देख सकते हैं सब यहाँ डिटेल बाय डिटेल लिखा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं सब डिटेल बाय डिटेल लिखा हुआ है, कितना से कितना तक क्लास है उस स्कूल में, टोटल यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ हेड टीचर कितना है, सब यहाँ पूरा डिटेल दिख जाएगा। यहाँ देख सकते हैं यहाँ सब डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ डिटेल, यहाँ बगल में आएंगे तो यहाँ डिटेल लिखा रहेगा, पूरा विलेज डिस्ट्रिक्ट स्टेट लिखा रहेगा। अब यहाँ स्कूल का UDISC कोड लिखा रहेगा, यहाँ बिल्डिंग क्या है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, यह सब रहेगा। क्लासरूम कितना है, एक है। बॉय टॉयलेट कितना है, चार है। गर्ल टॉयलेट चार है। यहाँ पूरा डिटेल देख सकते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ गर्ल्स टॉयलेट कितना है और यहाँ कंप्यूटर की व्यवस्था है कि नहीं। यहाँ देख सकते हैं स्कूल में तो यहाँ नो है और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक है, वहाँ इलेक्ट्रिक है कि नहीं, यहाँ सभी डिटेल देख सकते हैं बारी बारी। यहाँ लाइब्रेरी दिखा रहा है, यहाँ प्लेग्राउंड दिखा रहा है, बुक लाइब्रेरी, यहाँ ड्रिंकिंग वाटर क्या है, हैंड पंप है, यहाँ रैम डिसेबल, यहाँ सब डिटेल देख सकते हैं। उस स्कूल में कंप्यूटर कितना है कार्य करने के लिए, यहाँ सब डिटेल देख सकते हैं। को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आप किसी भी स्टेट का, किसी भी जिला, किसी भी प्लेस देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और यहाँ इसका लिंक डायरेक्ट दे दिया जाएगा। आप उस पर लिंक करेंगे तो आपको स्टेट वाइज में आ जाएंगे, आप जिस स्टेट से रहें स्टेट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं पूरा। चलिए इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो इन्फॉर्मेशन वाला हम वीडियो लेकर आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं।